नमस्कार। आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिन, उनकी या मैं आपको बात करना चाहता हूँ। 12 अगस्त को विश्व में वर्ल्ड इंटरनेशनल एलिफेंट डे मनाया जाता है। अभी मैं आपको एलिफेंट के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, कृपया सुनिए। एलिफेंट की ऐसे तो दो प्रजातियां है, एक अफ्रीकन है और ये दूसरी एक एशियन है। एशिया के अंदर भी चार प्रजातियां है, जिसमें श्रीलंका की है, फिर ये बोर्नियो है, सुमात्रा है और मेनलैंड पटपेटा जातियों है। इसी तरह अपने इंडिया में दो है, भारतीय हाथी है और श्रीलंकन हाथी है। उसके पहले आते थे, पहले पुराने ज़माने में एक आता था हाथी एलिफेंट, उसको मैमथ बोलते थे। वो करीब बहुत बड़ा था, उसके दांत भी बहुत बड़े थे और उसके पर पूरे शरीर बदन पे पूरे रोंगटी रहती थी और वो बर्फ हिम के अंदर वो था। और वो अधिकांश वो कुछ समय बाद उसका विनाश हो गया और पूरी की पूरी प्रजाति नष्ट हो गई। अब अपने ज़मीन के अंदर सबसे बड़ा एनिमल वो अभी एलिफेंट है। अभी एलिफेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी एलिफेंट है वो बहुत शांत स्वभाव का रहता है और उनकी याददाश्त बहुत तेज रहती है और उसका कई तरह से यूज भी किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी एलिफेंट के ऊपर आपको मैं मैच बॉक्स दिखाना चाहता हूँ। देखो ये मैच लेबल से, ये सब एलिफेंट के ऊपर, ये मैच लेबल से, ये और जेमिनी सर्कस आता था उसके भी मैच बॉक्स है, देख लीजिए। सब तरह तरह के मैच बॉक्स है। उसका बच्चा भी है, जेमिनी का सर्कस है, सब सर्कस के ऊपर ये सब थी मैच बॉक्स, एलिफेंट के ऊपर ये पूरा। देखो ये सब मैच बॉक्स है, वो पहले राजा महाराजा लोग हाथी की सवारी करते थे, उसके ऊपर बैठ के राजा की सवारी निकलती थी। इसकी भी मैच बॉक्स है सब, ये सब छोटी वैक्स मैच बॉक्स है सब, इसे अलग तरह तरह की आती है, देख लीजिए। देखो ये मैच लेबर सबसे बड़ा है, बड़ी साइज का है, ये इसका छोटी साइज है। देखो तो मैच लेबर से सब, ये पुराना का पुराना, बहुत पुरानी है मैच बॉक्स, देख लीजिए आप। देखो ये सब मैच बॉक्स है, सब डबल है, यानी कि एक दूसरे का स्वागत करते हुए ऐसा लगता है, वेलकम करते हैं ऐसा लग रहा है। ये सवारी की है, तरह तरह की सवारी करते हैं हाथी के ऊपर, उसके ऊपर भी सब मैच बॉक्स है सब। देखो ये सब हाथी है, जैसे अपना वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ऐसे भी मैच बॉक्स है। आप लोग देखना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करना और लाइक करना। देखो ऐसी माचिस आपने कहीं देखा है, सब पुराने, देखो ये बहुत पुराने मैच बॉक्स है, इस सब मैच बॉक्स है, सब एलिफेंट के ऊपर ये हाथी। देखो ये सब हाथी के ऊपर ये पूरा पूरा मैच बॉक्स। देख लीजिए। हेलो, अभी इंटरनेशनल एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिन कब मनाया जाता था, उसकी शुरुआत कब हुई, अब मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2011 में बैंक कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर निर्माता पेट्रिसिया सिम्स ने और थाईलैंड का एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा सबसे पहला उसका वो लोग ने ये दिन मनाया। अभी मैं आपको इंटरनेशनल एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिन कब मनाया गया, उसकी शुरुआत कब हुई थी
वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2011 में दो कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर निर्माता पेट्रिसिया सेम्स ने और थाईलैंड ना एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा ये दिन की शुरुआत किया था। एशियन और अफ्रीका जो में जो शेर है उसकी दुर्दशा इंसान ने बहुत बिगाड़ दी थी, उनका बहुत कत्लेआम किया था, उसको बचाने के लिए और उसको जिस का जोखिम था सबसे उसको बचाने के लिए सबसे पहली बार 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त 2012 से ये दिन मनाया जाता है। अभी फिलहाल विश्व में सबसे बड़ा प्राणी एनिमल अभी हाथी मनाया जाता है। हाथी एक ऐसा है वो उसकी पॉपुलेशन अभी कम हो गई है। 1976 में अफ्रीकन हाथी की पॉपुलेशन संख्या कम हो गई, इसीलिए उसको बचाने के लिए और 2015 में वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी शुरू किया था और हाथी को बचाने के लिए सबने जुम्बेश उठाया और तब से ये हाथी वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वही मैं आपको मैं दिखा दूँ। हाथी का मंदिर में वो उसका पूजा पाठ के लिए करते हैं, सर्कस में करते हैं, वो कभी कभार उसको लकड़ियाँ ले जाने के लिए नदी के लिए करते थे और इसी तरह से हाथी के बहुत सारे यूज़ करते थे। अभी हाथी के ऊपर भी बहुत सारी फिल्म आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बता रहा हूँ मैं। 1971 में बनफूल करके एक फिल्म आई थी, जितेंद्र थे इसमें और उसमें चला जाता हूँ मैं हाथी के ऊपर, वो जितेंद्र वो गाना इसमें गाता है। फिर दूसरी आई थी 1971 में हाथी मेरे साथी, उसमें राजेश खन्ना तनुजा था, उसमें भी हाथी के ऊपर दो गाने हैं, बहुत बढ़िया गाना है। एक तो गाना है चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी चल ले चल खटारा खींच के, और दूसरा गाना है नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। और इसके बाद में आई थी 81 में आई थी मैं और मेरा हाथी, वो मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी। उसके बाद में आई थी 2021 में अभी नई आई है, वो साउथ की फिल्म थी हाथी मेरे साथी, वो भी एक फिल्म आई है। उसके बाद में आई थी मैं तेरा दुश्मन 89 में आई थी, इसमें सनी देओल जैकी श्रॉफ जयाप्रदा थे। और उसके बाद में आई थी बाहुबली द बिगिनिंग, वो थी वो 2015 में आई थी, उसमें प्रभास थे। ऐसे बहुत सारी हाथी के ऊपर भी फिल्म आई है। अब मैं आपको फिर और मैच बॉक्स दिखाना चाहता हूँ हाथी के बारे में। देखो ये हाथी पर है अप्पू, ये गज गज, हाथी को गजराज भी कहा जाता है। देखो ये हाथी पर है छोटे बड़ी साइज है और ये छोटी साइज है, ये देखो दोनों में ये अलग अलग है, वो तीली जलाने का स्टिकर दोनों में अलग अलग है, देख लीजिए। ये भी हाथी के ऊपर है, ये एलिफेंट वो लोग जंगल के लकड़े ले जाने के लिए काम करता था उसके बारे में है। ये सब एलिफेंट बॉस हाथी को बॉस भी, वो बहुत पुराना हाथी है उसके बारे में बताया है। ये सब मैथबॉक्स ही हाथी के ऊपर ये पूरा। अब ये मैच लेबल से हाथी के ऊपर है, उसका 13 पैसे का वो था, 13 पैसे वाली ये मैच बॉक्स है। ये सब मैच बॉक्स लेबल से मैच लेबल से, ये मैच लेबल से ये मैच बॉक्स है। ये राजा महाराजा की सवारी जाती थी एलिफेंट के, उसकी भी मैच बॉक्स है, ये लकड़ी ले जा रहा है, ये सब हाथी के ऊपर ही है, सब मैच बॉक्स है तरह तरह की, देख लीजिए सब। ये भी हाथी के देखो दोनों है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए रखा है ये अलग है सब थोड़ा बॉक्स है। ये महाराजा के ऊपर ये पूरा,
देखो ये पूरा सेट है, हाथी के ऊपर पूरा सेट है, देख लीजिए। बम्बो, ये दोनों कलर अलग अलग है, इसीलिए रखा है एलिफेंट का। ये सब एलिफेंट के ऊपर ही है, देखो पूजा कर रहा है, इसके भी लग रहा है ना आपको, पूजा कर रहा है। ये तीली पकड़ के खड़ा है, यानी ये सब इसकी है, ये सोने का हाथी है, ये सब हाथी के ऊपर ही है, ये सब उसकी है। अभी मैं आपको उसका बैक साइड दिखा रहा हूँ, ये उसका सब है बैक साइड है, देख लीजिए तरह तरह की है। '82 में एशियाड गेम्स दिल्ली में शुरू हुआ था, उसमें अप्पू करके एक एलिफेंट का छोटा बच्चा है, उसको लोगों को लिया था। तो ये सब अप्पू के लोगों के ही है, पूरी मैच बॉक्स है अप्पू के ऊपर, ये पूरी मैच बॉक्स एशियाड गेम्स, देख लीजिए आप। ये भी अप्पू की है, अप्पू, ये भी अप्पू है, ये लकड़ी वाली है अप्पू की, गेम्स के ऊपर ये पूरी, और ये सब एलिफेंट के ऊपर ये सब मैच बॉक्स है, देख लीजिए तरह तरह की। ये लकड़ी की है, देख लीजिए लकड़ी की है, पूरी लकड़ी वाली है, डॉली करके नाम था उसका, इसके पर थे देखो है। ये सब हाथी के ऊपर ही है, तरह तरह जंबो हाथी है, देखो जंबो हाथी है, दोनों कलर अलग अलग है दोनों में। ये विनायक है, छोटी बड़ी साइज है, सब तरह तरह के साइज का है, ये सब एलिफेंट के ऊपर ही है। देखो ये सब एलिफेंट के ऊपर ही मैच बॉक्स है, आपने शायद कभी इतने ऐसे तो देखी ही नहीं होगी, और आपको दिमाग में भी नहीं आएगा कि ऐसी ऐसी मैच बॉक्स एलिफेंट के ऊपर आती है, हाथी पर आती है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको तरह तरह की मैच बॉक्स देखने को मिलेगी। देखो ये सब मैच बॉक्स है, पीछे बैक साइड है, पीछे की साइड है, कैसे कैसे अधिकांश सब एलिफेंट के ऊपर ही है, इसमें पुराने लेके से आज तक सब आपको देखने मिल जाएगी। देखो ये सब एलिफेंट के ऊपर ही है पूरा का पूरा। देखो ये है शाही हाथी की मैच बॉक्स है, ये उसकी बैक साइड है, देख लीजिए माचिस की, एलिफेंट की हाथी है उसकी, शाही सवारी की मैच बॉक्स है, बड़ी साइज है। ये जंबो एलिफेंट हाथी है उसका भी ये मैच बॉक्स है, देखो ये उसकी बैक साइड है, पीछे वाली साइड है मैच बॉक्स की। देखो ये हंस है, स्वान उसकी है मैच बॉक्स है, ये जो स्वान है हंस उसके बैक साइड में, पीछे एलिफेंट है उसके, मैं आपको मैच बॉक्स दिखा रहा हूँ। ये चेतन कुमार की मैच बॉक्स है, 2 रुपये वाली मैच बॉक्स है, देख लीजिए आप। वो चेतन कुमार की मैच बॉक्स आपने देखी ना, उसके पीछे जंगली, इसमें अपने एलिफेंट हाथी का चित्र है, और ये हाथी के ऊपर ही मैच बॉक्स है। देखा ना मेरा आप छोटा सा एलिफेंट के ऊपर मेरा छोटा सा कलेक्शन, कैसा लगा? क्या आपने ऐसी मैच बॉक्स कभी देखी है? नहीं देखी ना, तो आज मैंने आपने सब दिखाया। अब मेरा ये देख के आप लाइक करो, शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब करो, और आगे आने में मुझे सहयोग करो। जय हिंद, शुक्रिया, नमस्कार।